शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों और बहनों, कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? जितना बड़ा जम्मे गफीर आज यहां मौजूद है, मुझे तो लग रहा है कि आपको गलत फहमी हुई थी कि आज लॉन्ग मार्च आज है। और ये अगर प्रोटेस्ट रैली है और ये अगर एहतजाज है, तो कान खोल के सुन भी लो और आंखें खोल के देख भी लो कि जिस दिन आवाम लॉन्ग मार्च के लिए यहां पहुंचेगी, यहां क्या आलम होगा। देखो मेरे भाइयों और बहनों, हम आज एक ऐसी सड़क पर मौजूद हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहते हैं, यानी कि शायराए दस्तूर, जिसकी दोनों इतराफ में इंसाफ देने वाले इदारे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, वहां ना आईन है ना कोई इंसाफ है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं कि आपका इदारा पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का आईनी इदारा है और पाकिस्तान की कौम का इदारा है। ये वो इदारा है जिसको आईन ने आपकी और अवाम की राय का अमीन बनाया है। ये वो इदारा है जिसको पाकिस्तान की आईन की सब्ज किताब ने आपके वोट की इज्जत की जिम्मेदारी अता की है। और ये वो इदारा है जिसको अवाम के वोट की इज्जत करवानी थी। बताओ, अवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने? नहीं। मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। अपनी बहन और बेटी की बात समझ आ रही है। क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2014 यानी 2014 में तकरीबन 7 साल पहले, 6.5 साल पहले यह केस दायर हुआ था? कितने साल पहले? 7 साल पहले। अब तक नवाज शरीफ का केस तो दिनों में चलता है और दिनों में खत्म होता है और दिन में दो समातें भी होती हैं, लेकिन 7 साल में इस इदारे ने अभी तक सिर्फ 70 समातें की। कितनी समातें? 70। और जानते हो, ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, उसका नाम क्या है? जानते हो कि इमरान खान ने मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? कौन कहता था? नहीं। तो आज पीडीएम और आवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? और जानते हो इस ताबीदार खान ने 6 मरतबा
हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाप्त नहीं कर सकता। छह दरख्वास्तें दी, कितनी दरख्वास्तें दी? एक, दो, तीन, चार, और जानते हो पांच, छह, जानते हो कि एक कमेटी बनाई ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी, जिसको कहते हैं तहकीकाती कमेटी, जिसका काम था तहकीकात करके उसकी तफसीलात आवाम के सामने रखना। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो ऐसी जुराइम की ऐसी लंबी दास्तान सामने आई कि क्योंकि ऊपर से हुक्म था तो तहकीकाती कमेटी को स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हवाला रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की ताबेदार बन गई। जानते हो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। कितने साल हो गए? हालांकि इतने वाजे और होश उड़ा देने वाले हकायक हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जानते हो कि 80 समातों के दौरान इमरान खान ने कम से कम 24 मरतबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। कितनी मरतबा? 24। और 4 दरखास्तें दी के कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। कितनी दरखास्तें दी? 4। और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? चोरी के पैसे। चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। देखो बयान बदलना तो इनका रोज का काम है, इसीलिए इनको यू टर्न खान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ सिर्फ बयान ही बदले, इन्होंने 8 वकील बदले, 8 वकील बदले। लेकिन आप कितने वकील बदले? लेकिन 8 वकील वकला को बदलने के बाद भी चोरी नहीं छुपी। बोलो, चोरी नहीं छुपी? और जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए। 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया जानते हो ना? हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है जानते हो ना?
अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां कहां से मंगवा रहा था। जानते हो दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया और भारत, क्या, और दूसरा है इसराइल। वो इसराइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है, इसराइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया, और ये भी जानते हो कि ये पैसा हंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है, दोसांझ ये लिखा है मेरे पास, ये नाम उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ, भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बेरी सी शेफ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना, फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। और फिर मेरे भाइयों, ध्यान से ये बात सुनना, और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबा कर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और आवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है, या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम पानी पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और धरनों पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये पैसा एजेंसी के पास से आया या कहाँ आया है? पैसा आते वक्त नहीं पता था कि एजेंट्स के थ्रू आया है, जब जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। और 7 साल बाद याद आया, जब आवाम ने जवाब मांगा, जब दबाव पड़ा तो 7 साल बाद याद आया कि पैसे तो मेरे एजेंट्स को पता है, मुझे पता नहीं है। बोलो जरा एक दफा बोलो, वाह वाह वाह, वेरी गुड, वाह वाह वाह। दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, पानी की तरह पैसा साजिशों में इस्तेमाल करने का पता था,
मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे भाइयों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये कहता है कि मुझे हुकूमत में आने की मेरी तैयारी नहीं थी। भाई, हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हें काम करना नहीं आता था, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। महंगाई को आसमान पर पहुंचाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, इस्लामाबाद और पिंडी के भाइयों और बहनों, अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, तो जरा ये भी बता दो ईसीपी के सामने कि 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इख्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। और ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे। और अब ये भी बता दो, यहाँ मीडिया की वैन्स मौजूद हैं, ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए मीडिया को मैनेज करने वाले, मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है। पूछो मेरे भाई, कौन है वो एजेंट्स। और ये भी बता दो कि तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो, तो जरा ये भी बता दो तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन है, कौन है। आवाज नहीं आ रही, कौन है। सिलेक्टेड। काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी। करने वाले एजेंट्स कौन हैं? देख लो, जहां जहां आवाज जा रही है देखने लोग नहीं कर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है, तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम जितना भी अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के आवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की आवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई। हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों 2018 के इलेक्शन में यार ना करो ये, जब आपके हाथ पांव बांध कर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे। पूछो आप क्यों खामोश रहे। जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात करी, अभी बाकी इदारों की बात नहीं करी, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल
और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, सिलेक्ट आवाम के वोटों पर ढाका डालकर, जब एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ आवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो, क्यों नहीं बोले? आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हैं ना? भुगत रहे हैं। आप जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो जब आवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये आवाम तुम्हें भी इसमें शरीक जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? ठहराते हैं। आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूँ आपके घरों में महंगाई का बेड़ा है, मैं जानती हूँ। किस किस चीज का मैं नाम लूं? आज जब उन चीजों की कीमतें रोज रोज आवाम की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो आवाम आपको भी इसी पीस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोले, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही है। आज जब अद्वियात की दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीक जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी आवाम तुम्हें भी शरीक जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन, आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी आवाम तुम्हें भी शरीक जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3,000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन आवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी, इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान के आवाम ब्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें ये हकायक सामने आते हैं कि तुमने 22 करोड़ आवाम के खून पसीने की कमाई चुपचाप रातों रात स्मगल करवा दी पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और वो जाली फॉर्म उसको ले उड़ी, वो तुमने भेजी ही इसलिए थी कि क्योंकि तुम्हें पता था वो जब्त हो जाएगी। और वहां तक नहीं बात, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे। और आज जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम ब्रॉडशीट है, वो सामने आता है, और आवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशन में जाती है, तो याद रखो ईसीपी, लोग तुम्हें भी शरीके जन ठहराते हैं। आज मलेशिया में, मेरे भाइयों बात सुनो, आज मलेशिया में जब
आज मलेशिया के अंदर जब लीज पे ना होने की वजह से 170 पाकिस्तानी मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया जाता है, तो शर्मिंदगी और उस नालायकी और नाअहली में भी लोग ईसीपी को शरीक जुर्म ठहराते हैं। आज जब हजारों बरादरी के साथ जुल्म होता है, उनके गले कटते हैं। मैं गई थी वहां पर उनको गले लगाने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी दर्द की दास्तान सुनते हुए। और आज जब वो इस जाली वजीर आजम को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी लाशें पड़ी है, तो ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब आज पाकिस्तानियों के साथ और हजारा बरादरी के साथ ये तौहीन आमेज सलूक होता है कि ये क्वेटा जाता भी है तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में बैठकर जो मुतासरीन है, जिनके भाई बेटे और खावन शहीद हो गए, उनको कहता है मेरे पास चल कर आओ, मैंने तुमसे ताजियत करनी है। तो आज इस किस्म की जो तजहीक पाकिस्तान के अवाम की आज हो रही है, यूसीपी सुन लो कि पाकिस्तान की अवाम तुम्हें भी इस जुर्म में शरीक समझती है। और ईसीपी जवाब दो, ईसीपी जवाब दो, बोलो ईसीपी जवाब दो, किया था। आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने, क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका, क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है, क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते ईसीपी जैसे इदारे, और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसका जवाब एक ही है, आखिर में बस एक बात, आखिर में बस एक बात, क्योंकि